हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर क्रूप पसावड़ा एंड अब हम इंजरी की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा है और उसमें हमारा ये जो फर्स्ट वीडियो है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी। सो लेट अस सी डेफिनेशंस। फर्स्ट, इंजरी एनी हार्म व्हाट एवर इलीगली। यहाँ पे इलीगल वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके सेलियंट फीचर्स जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी। सो सेक्शन 44 आईपीसी जो है वो इंजरी के साथ डील करता है। यहाँ पे सिर्फ बॉडीली इंजरी नहीं बोला गया है, लेकिन माइंड रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी पर भी जो होता है उसको इंजरी बोला गया है। लेट अस सी अनदर डेफिनेशन दैट इज वुंड। वुंड क्लिनिकली इट मीन्स एनी इंजरी वेर देर इज ब्रीच ऑफ नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर जो नेचुरल कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है, उसमें ब्रीच होता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज वुंड। मेडिको लीगल प्रैक्टिस में थोड़ा डिफरेंट है। इन मेडिको लीगल प्रैक्टिस द टर्म वुंड एंड इंजरी आर सिनोनिमस, बट स्ट्रिक्टली वुंड विल इंक्लूड एनी लीजन, एक्सटर्नल और इंटरनल। कोई लीजन है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है या तो फिर इंटरनल भी हो सकता है, कॉज्ड बाय वायोलेंस विथ और विदाउट ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। वो वायोलेंस से हुआ होना चाहिए, कोई हिंसा से हुआ होना चाहिए, उसमें ब्रीच हुआ हो या तो फिर नहीं हुआ हो तो भी चलता है। मीन्स विथ और विदाउट ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। सो लेट अस सी फीचर्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 44 आईपीसी। दिस डेफिनेशन ऑफ इंजरी हैज वाइडर मीनिंग। इट हैज नॉट ओनली इंक्लूडेड बॉडीली हार्म बट ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड मेंटल सफरिंग्स एंड हार्म कॉज टू रेप्यूटेशन एंड प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने देखा कि यहां सिर्फ बॉडी तक वो सीमित नहीं रखा है, पर मेंटल सफरिंग्स एंड हार्म रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी पर भी जो हार्म है उसको इंजरी में इंक्लूड किया गया है। यूज ऑफ टर्म इलीगल। यहाँ पे इलीगल वर्ड का यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस इंक्लूजन आर नॉट ऑल इंजरी कॉज्ड आर इलीगल। यहाँ पे इलीगल वर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि जो सभी इंजरीज है वो इलीगल नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ सर्जन इज डूइंग ऑपरेशन, ही इन्फ्लिक्ट सर्जिकल इंसिजन। अगर कोई सर्जन पेशेंट की कंसेंट से सर्जिकल इंसिजन रखता है ओवर पेशेंट विद कंसेंट, हियर द सर्जिकल इंसिजन इज नॉट एन इलीगल इंजरी। यहाँ पे जो सर्जिकल इंसिजन है वो इलीगल इंजरी नहीं है, बिकॉज इट इज कॉज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पेशेंट, क्योंकि वो जो पेशेंट है उसके बेनिफिट में किया गया है। नाउ लेट अस चेक आउट वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर। सो कॉजेटिव फैक्टर में फर्स्ट वन इज मैकेनिकल इंजरीज, इन दैट ब्लंट फोर्स इंजरीज, एब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन। सेकेंड वन इज शार्प एज्ड वेपन इंजरीज, इन दैट इंसाइज्ड वुंड एंड चॉप वुंड। थर्ड वन इज पियर्सिंग वेपन्स, इन दैट स्टेब वुंड्स। एंड फोर्थ वन इज फायर आर्म वेपन्स, इन दैट फायर आर्म वुंड्स। बी इज थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरीज, ड्यू टू कोल्ड, फ्रॉस्ट बाइट, ट्रेंच फुट एंड इमर्जेंट फुट, एंड ड्यू टू हीट, बर्न्स एंड स्कैल्स। सी केमिकल इंजरीज, इन दैट फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज इरिटेशन। सो कोरोजिव एसिड, अल्कलीज एंड मेटल सॉल्ट। सो अगर वो स्ट्रांग है तो उसे कोरोजन होगा, एंड इफ दे आर वीक सो वो इरिटेशन करेंगे। एंड डी इज मिसेलेनियस इंजरीज। सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, एक्सरेस एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इंक्लूड होता है। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, सेकेंड कैटेगरी इज मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन, इन दैट फर्स्ट वन इज सुसाइडल इंजरी और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, सेकेंड वन इज होमिसाइडल इंजरी, थर्ड वन इज एक्सीडेंटल इंजरी, फोर्थ वन इज डिफेंस वुंड्स, एंड फिफ्थ वन इज फेब्रिकेटेड इंजरी। So, ये जो है वो सेकंड कैटेगरी का क्लासिफिकेशन है, दैट इज मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन। थर्ड वन इज इंजरीज इन रिलेशन टू डेथ। ये एक थर्ड क्लासिफिकेशन है, उसमें एंटेमोर्टम इंजरी एंड पोस्टमोर्टम इंजरी। कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिसकी वजह से कोई भी इंसान की डेथ होती है, या तो वो डेथ से पहले हुई होती है, और कुछ इंजरीज ऐसी हुई होती है जो इंजरीज के बाद होती है, जिसको हम पोस्टमार्टम इंजरीज बोलते हैं, या तो फिर इंजरीज के बाद उसको इन्फ्लिक्ट किया जाता है कॉज ऑफ डेथ को,
मिसमैच करने के लिए, कॉज ऑफ डेथ जो है वो छुपाने के लिए उसके बाद की जाती है. सो दे आर कॉल्ड एज पोस्टमार्टम इंजरीज. एंड लास्ट वन इज लीगल क्लासिफिकेशन इन दैट सिंपल इंजरी एंड ग्रेवियस इंजरी. ग्रेवियस इंजरी है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्रेवियस इंजरी क्या है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक बेल आइकॉन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स. थैंक यू.